वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बाकी गाजर खाना है तो आ जाओ। आज के इस व्लॉग में ना मैं जाने वाला हूँ अपने सिटी के जिम में, जहाँ मैं पहले करता था। कोरोना से पहले मैंने जिम ज्वाइन की हुई थी, अच्छी खासी बॉडी बन गई थी। घर की रोटी होती थी, घर में अम्मी अंडे चिकन फिश सब बना के देती थी, तो उस टाइम बॉडी हो गई काफ़ी अच्छी। जब से यूनिवर्सिटी गया हूँ बॉडी ना जिम ज्वाइन कर सका और ना जनाब सरगोधा में अच्छे खाने नहीं मिलते, कंजूस लोग हैं, कुछ खाने को नहीं देते और जिम भी नहीं जा सका। तो जब मैं घर आता हूँ तो मोस्टली मैं ज्वाइन करता हूँ जिम। आज मैं जा रहा हूँ अपनी जिम सरगोधा मुंह पे चढ़ जाता है अपने सिटी के जिम में। और यह हमारे मोहल्ले की मेन गली है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ से मुझे सफ़र पड़ेगा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का पैदल। मैं अक्सर पैदल जाता हूँ, बाइक है हमारे पास, पर मैं अपने सफ़र को एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता चलूँगा गलियाँ शलियाँ, ये गलियाँ ये चौबारे हम ना आएंगे दोबारा, ये विश्वा का कोई सॉन्ग भी है मेरे पास। ठीक है, ये भी आप लोग देख लो, हमारा घर वहाँ, ये मेन गली है। तो लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह आप एंजॉय करोगे। मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हैं जी दूसरी गलियाँ, पीछे मोहल्ले की गली है। ठीक है, ये हमारा सिटी है, मेन सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, ऐसा नहीं कि छोटा सिटी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा, पूरी सिटी में आपको दिखाने पूरे हर तरह से। ठीक है, नाबे वाला ये है तीसरी गली, मतलब कि मैं चार गलियां इस टाइम क्रॉस कर चुका हूँ और तीन गलियां और फोर्थ गली ये वाली है। ठीक है, ये जाती है मेन रोड की तरफ। ठीक है, ये सारी की सारी गलियां, छोटी छोटी गलियां सरगोधा से बहुत अच्छी हैं। सरगोधा में तो ऐसे पता नहीं बंदा अजीब सी सिचुएशन में होता है, बंदे की थाट्स कहीं होती हैं, सरगोधा में घूम कहीं होता है। ठीक है, ये है जी फोर्थ वन गली। अभी और भी गलियां आएंगी जो कि आपको शायद ऐसा लगे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार व्लॉग को ना प्रॉपर तरीके से बनाऊँ, आप लोग थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हासिल करो, मुझे देख कर शायद आप थोड़ा हंस लो, मतलब मैं भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती हूँ मेरी वजह से, तो ये कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं घर होता तो इस शॉप से ना मैं लेता था अपने फ्रूट्स जो कि मैं जिम जाने से पहले खाता हूँ। तो ओके, और मैं ना इस बंदे को ना मंथ के पैसे जमा करवा दिया करता था कि आप मेरे मंथ के पैसे ले लिया करो। जब मैं जॉब करता था, यहाँ मैंने जॉब भी की है, मतलब एज अ फार्मासिस्ट, इधर एक फार्मेसी है, वहाँ पर मुझे सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी, तो जो मुझे पैसे आते ना जॉब से, देन मैं फ्रूट्स के पैसे इसको अलहदा से जमा करवा दिया करता था, जैसे कि मैंने आज भी ले लिए। हाय बोल दो बच्चे, तो भी कैसे हो वो, ठीक हो? तो ये आज कितना माल्टे शाल्टे खाने हैं तो आ जाओ। तो ये सारा सिस्टम है जनाब, यही मेरी लाइफ है, और कोई लाइफ शाइफ मेरी इतनी बड़ी हैवी नहीं है, नॉर्मल सी लाइफ है। ठीक है, इंशाल्लाह जब फार्मासिस्ट बन जाएंगे ना तो इसी अपने इलाके में एक हॉस्पिटल बनाएंगे अपना और अपनी फार्मेसी बनाएंगे और फिर पैसे कमाएंगे। मतलब अच्छा खासा, मतलब शौक है क्या, गरीबों की मदद करनी है। ठीक है, तो ये अभी है सिक्स्थ वन गली, गली नंबर 6। जनाब अब गलियां तो हो गई ख़त्म, अब आने वाला है मेन रोड। ठीक है, तो
तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेन रोड। ये बहुत बड़ा सिटी है हमारा, मतलब काफ़ी बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा, और मुझे लगता है सरगोधा से अच्छा सिटी है ये, मतलब अच्छा डिवेलप है। और इंशाल्लाह मैं वही कह रहा हूँ कि आपको मैं लाजमी सारी चीज़ें ही दिखाऊंगा, ठीक है। ये अभी मैं यहीं पर थोड़े माल्टे खा लेता हूँ ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं अपना जिम अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो ये मेन रोड नहीं है, ये मेन रोड की एक ब्रांच है, वो मेन रोड उस साइड से, वो दूसरा रोड उस साइड, ये मेन रोड ही मैंने क्रॉस किया, मतलब दो शाखें निकलती हैं, ठीक है, और दोनों जो है बाज़ार की तरफ जाती है, एक होता है जहाँ से ज़्यादा रश होता है और एक होता है जहाँ से कम रश होता है। तो ये रेलवे ट्रैक है हमारी सिटी का, ठीक है। बाबा जी कोट अड्डू, तो ये जी रेलवे ट्रैक और जिम ना वो नज़र आ रही है, वो वाली चीज है। यहाँ से मैं सारा, यानी कि मैं टोटली रूटीन मेरी यही रहती है, पैदल, देन फ्रूट्स, देन ये गलियाँ और देन ये जिम, ठीक है। ये जी है, देखो आप सारे का सारा क्या है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से आपको हर सिटी की ऑलमोस्ट ट्रेन निकलती हुई जाती है। आपने किसी भी सिटी जाना, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, जिस सिटी में भी आपने जाना हो, तो ऑलमोस्ट हर किस्म का ट्रैक यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब हमारा सिटी इतना बुरा भी नहीं है, इवन आपको हर तरह की बस, हर तरह की ट्रेन, हर तरह की बाइक, मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह मिल जाता है, ठीक है। यही सारा सिस्टम, ये देखो, और ऑलमोस्ट ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर जो सिटी का वो होता है ना कि भाई कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर फेंकना, तो ये वाली जगह जो है ये यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट वगैरह फेंका जाता है, ठीक है। और ये रेलवे जो है ना, ये वाला ट्रैक जो, ये सेकेंड ट्रैक है रेलवे का, ठीक है। और उस साइड पे ना वो है अपना, क्या बोलते हैं यार उसको, स्टेशन भी है, ठीक है। तो अभी धुंध भी बहुत है, और ये सामने नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली मेरी जिम है, ठीक है, इसी में मैंने जिम करना है, इसका नाम है हसीब पावर जिम। नज़र आ रही है आपको ये, जहाँ पे ये येलो शर्ट वाला बंदा खड़ा है, ये वाला, ये जिम है हमारी, ठीक है। अभी ये देखो मैं जा रहा, और इनसे मैंने काफ़ी अरसे बाद मिलना है, और इनके मुझे मैसेज भी नहीं है, इतने मेरे गंदे दोस्त हैं यहाँ के भी, मुझे कोई नहीं याद करता, सच की बात है ना। मतलब कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब मेरे दोस्त बहुत बन जाते हैं, लेकिन बाद में मुझे याद करने वाला कोई नहीं होता, मैं सबको याद करता रहता, इतनी सैड बात है ना, इन्होंने भी याद नहीं। जी ब्रदर, क्या हाल है, ठीक हो, क्या बॉडी शॉडी भाई, डले शले है, वेखो जी है साडा मुंडा, वेखो जी है। ए जी, असी व्लॉग शूट कर रहे हैं, यूट्यूब ते देना सी, एक भाई साहब पोज हो जाए, की हाल है वीरे, ठीक है, कैसा रहा दिन, एंजॉय कर रहे हो, देख यार कैसी बॉडी बना ली है भाई ने 3-4 महीनों में है। चलो यार एक और डबल भाई साहब का पोज हो जाए, माशाल्लाह, देख रहे हो लड़का छा गया भाई, यही पोज बैक से बनाओ, मतलब उस साइड पे देख के, हाँ देखो जी, दसो तुसी मुंडे दी बॉडी है कि नहीं है, हाल ये मुंडा नवा इंशाल्लाह है, बड़ी मेहनत कर रहा मुंडा है, देखो मुंडे दी बॉडी, ठीक है जी। ऐ साड़ी जिम है जी, इसका नाम है हसीब पावर जिम, शायद यहाँ नजर आती है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ सारी रूटीन, चलो मैं फिर वर्कआउट कर लेता हूँ।
सो गाइस आपने सब कुछ देख लिया होगा, जिम शिम, ठीक है। अब मैं अपना वर्कआउट कर लूँ, फिर बाद में आपसे बातें करते हैं। सो तो गाइस मैं यहीं पर कर रहा हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की, और जो वर्कआउट था जिम थी वो भी आपने ऑलमोस्ट देख ही ली होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।